तो दोस्तों आज हरियाणा के रफ़ी भगत राम निवास जी का आज श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर तमाम कलाकार पहुँचे, मीडिया टीम पहुँची, और मैं अपनी सरकार से अनुरोध करूँगा कि हरियाणा के रफ़ी, देखो वो एक बहुत ही अच्छे गायक थे और ये पूरी हिंदुस्तान इस चीज़ का गवाह है, और आप लोग सब लोगों ने सुना है उनको, तो बहुत ही प्यारे उनके भजन आप लोगों के बीच में हैं। तो मैं यही कहूँगा अपनी सरकार से कि इस परिवार के लिए वो बहुत बड़ा एक कदम उठाएं। जैसे कि हमारे सामने एक बात आई है कि उनकी मूर्ति स्थापना भी की जा रही है, तो मैं सरकार से बार बार यही अपील करता हूँ कि इस परिवार के लिए एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया जाए और इनको आर्थिक रूप से भी सहयोग दिया जाए। और ये उनके लड़के हैं जो इस पार्टी को आगे बढ़ाते रहेंगे, रेगुलर इस पार्टी के भजन आप लोग जब भी आपको अपना भजन कीर्तन करवाना है तो हम आप हमारे डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर ले सकते हैं। सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम बदन है जी, बदन सुनारिया, और मोबाइल नंबर है 999-123-9645। वो भगत जी का ही नंबर है, वो हमेशा चलता रहेगा, वो हमेशा चलता रहेगा, और जब भी प्रोग्राम करवाना है आप उसे संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आपका नाम क्या सर? श्याम सर। श्याम? हाँ सर, श्याम खांडा। श्याम खांडा, तो आप भगत जी के दामाद जी हैं? हाँ सर। तो आज आए आप, तो दो शब्द आप भी कह दीजिए। सर मैं तो सारी उम्र यही रहूँगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। काफी भावुक हैं। पापा बहुत ही रेड। जी बिल्कुल। उसकी कभी पूरी मुश्किल हुई सर। तो देखिए काफी भावुक हैं, और कलाकार भी और उनका परिवार भी और पूरा सुनारिया गांव, आज सभी की आंखों में आंसू हैं। और हम यही कहेंगे कि भगत राम निवास जी मरे नहीं हैं, वो अमर हैं, हम सबके बीच में हैं, हमारे दिलों में हैं, और हमेशा ही ऐसे ही उनके भजन आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे। मैं एक बात इसमें और ऐड करना चाहूँगा, जैसे भाई ने बहुत ही अच्छी जो है गुहार लगाई है सरकार से कि भाई उनके परिवार के लिए जो है कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार से कि भाई कुछ ना कुछ मदद के। मैं बताऊंगा जी, चौटाला के टाइम में ना, चौटाला साहब की जब सरकार थी तो ऐसा हमें सुनने को आया है, जैसे इन्हीं लोगों ने बताया है कि क्या था कि 18 लोगों की एक टीम बनाई गई थी, जो पूरे हरियाणा में से बेस्ट कलाकार थे उसमें से 18 कलाकार चूज किए गए थे, जो बेस्ट कलाकार थे उनमें से सर्वप्रिय नाम था भगत राम निवास जी का। और सरकार उस टाइम ये कह रही थी कि भाई इनके परिवार में से या तो इन्हीं को खुद को एक अच्छी नौकरी दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं वही मुहिम इसी सरकार ने दोबारा से शुरू करके, क्योंकि ये बेस्ट कलाकार में से थे। और जैसा कि मैंने भाई से बात की थी, तो इनके लड़के से, तो इन्हें बताया कि ये माड़ी का भी काम करता है, तो कोई स्थाई नौकरी नहीं है इनके पास, कोई सरकारी नौकरी नहीं है। तो सरकार से मैं भी हाथ जोड़ के अनुरोध करूँगा कि भाई जो ऐसी इतने अच्छी जो हमारी छुपी हुई कला है, तो इनको भी कहीं ना कहीं कोई चीज़ उपलब्ध की जाए, नौकरी दी जाए इनके परिवार को, ताकि इनका अच्छे से जो है गुजारा चले जा सके। बाकी ये साथ ही साथ तो अपनी जैसे बताया है कि अपने जो है पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए ये भी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि भाई जो है इलेक्शन के टाइम में इनके घर पर आ गए हैं जी, आके इनका आशीर्वाद ले लिया। अब इस परिवार को सरकार की ज़रूरत है, पहले सरकार को इस परिवार की ज़रूरत थी, लेकिन आज उल्टा है, आज जो है इस परिवार को सरकार की ज़रूरत है। तो सरकार को पीछे कदम नहीं हटाना चाहिए और इनका सहायता करनी चाहिए।